हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम लोग मिसलेनियस देखते हैं। मिसलेनियस ही सिर्फ बचा हुआ आपका, सिर्फ इतना ही है। तो देखिए आपका ये कुछ पेज मिसलेनियस का आपका, पहले हम क्या कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, सवाल कर लेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है क्योंकि सवाल थोड़ा ज़्यादा है इसमें, लगभग 187-185 के आसपास सवाल है। तो पहले हम लोग क्या एक्सप्लेनेशन आज कर लेते हैं, उसके बाद अगला दिन अगला वीडियो जो आपका आएगा वह इसका क्या आ जाएगा, सवाल के साथ आपका डिस्क्रिप्शन के साथ सवाल पूरा डिटेल में आपका आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं मिसलेनियस पे अपना, उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिजिक्स भी आपका कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मिनट आपको एक चीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए सिर्फ इसमें तीन चीज़ हम लोग छोड़े हैं, क्या कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन, जस्ट वेट, सिर्फ तीन चीज़ छूटा है इसमें, ठीक है, देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी, बाकी जितना भी है वो सारा आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना स्पेस पे जस्ट अबाउट, ओके चलिए। तो यहाँ देखते हैं मिसलेनियस में आपका बात कर रहा है कि स्कोप ऑफ बायोलॉजी, यहाँ देखिए ह्यूमन जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग रखता है, आपको मालूम है साइंटिफिक नॉलेज है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम, ऐसे तो आप समझ रहे होंगे ना, ये बेसिक चीज़ बता रहा है। एग्रीकल्चर वगैरह में जैसे आप देखते हैं बेटर पेस्ट फ्री क्रॉप करने के लिए क्रॉप, तो ये सब भी आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ह्यूमन हेल्थ जो है, प्रॉपर फूड लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। फिर ह्यूमन डिजीज जैसे कि सेवरल पैथोजन अटैक करता है, हैबिट या हैबिटेड स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल्स वगैरह जो भी स्टडीड करते हैं, और जो भी होता है अभी जो कि सो वी कैन भी क्या कर सके, अभी कर सके फ्रॉम डिफरेंट डिजीज से टू कंसिडरेबल एक्सटेंट तक, एक हद तक हम लोग क्या हो सके उससे बच सके। उसके बाद बोलता है इंडस्ट्रीज़ जो होता है, जो कि बेस्ट होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ प्लांट और एनिमल के, जैसे कि वुड हो गया, जूट हो गया, रबर हो गया, समझे, गम, सुगर, लेदर। उसके बाद है कि कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो उसके लिए कंजर्व करते हैं इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना के लिए, समझ रहे हैं आप। एनिमल हस्बेंड्री जो है, तो रेयरिंग ऑफ एनिमल करते हैं फॉर फूड के लिए, समझे, एग्रीकल्चर के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है ना जी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहले गधा का इस्तेमाल होता था, तो इन दैट वे मैनर बता रहा है, समझ रहे हैं। और इंटरटेनमेंट जो होता है, या यहाँ पे देखिए आप समझ रहे होंगे, हर पॉइंट को बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा ना, वो हम लोगों का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, कम समय में पूरे चीज़ को एक बार निचोड़ के रख देना बस, ताकि रिवीजन के तौर पे क्या हो, बस एक बार देख लिए टू टाइम्स पे डेट टाइम्स पे, ताकि वो एक बार विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि बल्कि बुक है, बार बार रिवीजन करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना, एक बार आप पढ़ लो तो ठीक है, मज़ा आता है, लेकिन बार बार उसी चीज़ को पढ़ना, तो इसलिए एक वीडियो फॉर्मेट में इसको करके आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। अब यहाँ देखिए एनिमल हस्बेंड्री हो चुका, अब यहाँ देखिए इंटरटेनमेंट या एथेस्टिक जो वैल्यू होता है, तो रेयरिंग ऑफ जैसे एनिमल हो गया एंड प्रिजर्विंग करना प्लांट को, ठीक है ना, जैसे कि आर डन बाय द वुमेन फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कहाँ होता है ये सब, जैसे जू में, सर्कस में, एक्वेरियम पार्क में, गार्डन में, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इंटरटेनमेंट पर्पस हो गया। और इकोनॉमिक वैल्यू जो हो गया, जैसे में प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है बाय द रेयरिंग एनिमल एंड प्लांट से, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सोल्ड कर सकते हैं ना मार्केट में जी, तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल एक एड मिलता है, सहायता मिला ना आपको, हेल्प हुआ ना, मनी आया, तो टूरिस्ट विजिट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जैसे टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं तो उससे भी पैसा आ रहा है, वाइल्ड लाइफ, समझे, तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ मेडिसिनल जितना प्लांट है वो सबसे बेच के पैसा आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए प्रैक्टिकल स्कोप जो होता है, जैसे कंसेप्ट ऑफ द बायोलॉजी इज एसेंशियल होता है ना इन जो वेटरिनरी जो साइंस होता है उसमें, डेयरी जो साइंस होता है, तो बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा है, जैसे कि उसमें क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेड करता है ना चैलेंजेस वगैरह को रिगार्डिंग फूड है और पॉपुलेशन है, डिजीज है, विद सॉल्यूशन के साथ आता है, नया टेक्नोलॉजी आता है इन एग्रीकल्चर में, तो फैमिली प्लानिंग वगैरह, मेडिसिन वगैरह, तो क्या हो लाइफ इजी गोइंग हो जाएगा, समझे। अब यहाँ देखिए जार्विक 7 आर्टिफिशियल हार्ट है ये, ठीक है, जो कि मैकेनिकल पंप कर सकता है, यूज टू रिप्लेस द फंक्शन ऑफ डैमेज हार्ट, समझे, और ये जो जार्विक बर्नी क्लार्क जो थे यही बनाए थे 1982 में, और जोनस एडवर्ड जो आपका ये है एडवर्ड जी, ये जो है ये वायरोलॉजिस्ट हैं, और ये पोलियो, ठीक है ना, और ये पोलियो वैक्सीन के लिए, बहुत ज़्यादा ये सवाल फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, ये याद रखना, और ये भी आपको याद रखना है, जार्विक आर्टिफिशियल हार्ट है, और यहाँ पे एडवर्ड साग जो है पोलियो वैक्सीन के लिए, और एल्बर्ट जो ब्रूस सैबिन है ना, ओरल पोलियो बोलेगा ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, तब ये आ जाएंगे, ब्रूस सैबिन जी ओवरऑल वैक्सीन बोलता है तो भी एडवर्ड आएगा, ऐसे पोलियो वाला वैक्सीन बोलेगा तो कौन आएगा आपका एडवर्ड आएगा, लेकिन ओरल में अगर बोलता है तो आपका कौन आएगा, ब्रूस जी आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए गॉर्डन वेबस्टर जो है, ये फ्लू वगैरह जो होता है, स्ट्रेन ऑफ द फ्लू एराइजिंग फ्रॉम द जीन्स इन द फ्लू वायरस स्ट्रेन नॉन ह्यूमंस में, ठीक है, तो ये सबसे जुड़ा हुआ चीज़ है ये, और जैसे कि फ्लू वायरस जो है ये क्या है H5N1, एक होता है
ये H5N1 वाला जो है ना, ये फ्लू वायरस है, तो याद रखना आपको वायरस वाला ये आपको है जीन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जैसे आइसोलेटेड आइसोलेटेड वर्क जो होता है, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेथड ऑफ द ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, समझे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के लिए, एंड दैट इज द कॉमनली यूज होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे हार्ट बीट है तो उसको मापने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर के लिए क्या होता है स्पैग्मो मैनोमीटर हो गया, और यहाँ पे देखिए एबनॉर्मेलिटी अगर हो चुका है या डिसऑर्डर आ चुका है होल बॉडी में तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी करते हैं, सीटी स्कैन बहुत जगह इसको छोटा छोटा एग्जाम में तो आपको इसका फुल फॉर्म ही पूछ देगा, तो याद रखिए कंप्यूटर टोमोग्राफी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द हार्ट, जैसे हार्ट से हार्ट वगैरह को देखने के लिए क्या होता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ईसीजी होता है, और ब्रेन के लिए क्या होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, ईईजी होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए टेस्ट करने के लिए ग्लूकोज या यूरिया या कोलेस्ट्रॉल कितना है तो उसके लिए क्या होता है एटो एनालाइजर होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसी से मापते हैं। और टू इन्फॉर्म करने टू फॉर्म करने के लिए पिक्चर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन के लिए तो उसके लिए MRI करवाता है आदमी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इससे पता चलता है क्या नहीं है, कैसे है, क्या हो गया अंदर, तो जो भी एबनॉर्मलिटीज आता है तो उसके अकॉर्डिंगली उस सब चीज़ को किया जाता है। अब देखिए यहाँ केमिकल वेपन्स है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था सल्फर मस्टर्ड, ये क्या है केमिकल वेपन्स है, एक वाइट फॉस्फोरस होता है, वो केमिकल वेपन्स है कि नहीं बताइए, वो नहीं है, उसका पूरा कैटेगरी आता है, बताएंगे वो जब आएगा जहाँ भी। देखिए अंदर मोस्ट इफेक्टिव केमिकल एजेंट जो होता है जैसे केमिकल वेपन्स है, और पहला वर्ल्ड वॉर में जो सल्फर मस्टर्ड केमिकल वेपन है, पहला वर्ल्ड वॉर में यही इस्तेमाल हुआ था, इसी को सल्फर मस्टर्ड को हम लोग मस्टर्ड गैस भी बोलते हैं, और ये वोलेटाइल ऑयली लिक्विड है, ठीक है, और पावरफुल विजिकेंट ब्लिस्टरिंग देता है, ये इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका, म्यूटोजेनिक है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली म्यूटोजेनिक होता है एंड कार्सोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, एज वेल एज लिपोफोलिक भी होता है, ये समझ में आया। ये क्या कर देगा, बर्न्स कर देता है विद इन 24 आवर में, ठीक है, इसके एक्सपोजर में रहिएगा तो कॉन्टैक्ट करेगा स्किन वगैरह तो बर्न होगा जलेगा। और जर्मन वगैरह जो होता है यूज मस्टर्ड गैस, जर्मन ही था जो पहला मस्टर्ड गैस यूज किया था, पहला टाइम यूज किया था ये 1917 में, यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन था वो करने वाला, अटियाली और दे आउटफिटेड किया था अटियाली सेल में एंड गार्डन में विद द मस्टर्ड गैस से एंड दे फायर्ड किया था, समझे, इस तरह से हुआ था। अब टोमोग्राफी जो हो गया, टोमोग्राफी या सीटी स्कैन बोल लीजिए, तो कंप्यूटर बोलते हैं ना, कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो ये इमेजिंग करता है बाय द सेक्शंस, समझे, अंदर वाला बताए थे एक्सरे के थ्रू होता है ये, ऑफ एनी काइंड ऑफ पेंटेटिंग वेव लाइक द एक्सरे को भेज के यहाँ पे क्या जाता है उसका स्कैन कर लिया जाता है। और ये मेथड जो होता है यू टू रेडियोलॉजी के लिए यूज नहीं, रेडियोलॉजी में या फिर आपका आर्कियोलॉजी में बायोलॉजी में ये सीटी स्कैन वगैरह मेथड चलता है, समझे। उसके बाद ये देख सकते हैं एटमोस्फेरिक साइंस ये सब में। उसके बाद यहाँ देखिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है ईईजी, इसमें क्या करते हैं हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं ब्रेन का, समझे, बस इतना ही जानना आपको। टिपिकली क्या करते हैं नॉन इन्वेसिव जो भी इलेक्ट्रोड्स होता है उसको हम लोग स्कैल्प पे रखें इस तरह से। और ईओजी जो होता है इलेक्ट्रो, यहाँ देखिए ओकुलोग्राफी होता है, ठीक है, ये आई से जुड़ा हुआ होता है, मेजरिंग करता है कॉर्नियो रिटेनल जो होता है उस चीज़ को, रिजल्टिंग सिग्नल भेजता है और वहाँ पे ये जो है ऑप्थल्मोलॉजिकल डायग्नोसिस वगैरह रिकॉर्डिंग करते हैं आई के मूवमेंट वगैरह को, समझे, रिजल्टिंग करता है सिग्नल देता है, इस तरह से ये सारा पूरा सिस्टम इसका चलता है। यहाँ देखिए देखिए बात ये भी है ना कि साथ साथ टाइम का भी बहुत बॉन्ड होता है, टाइम को भी देख के, ऐसा नहीं कि अब हम इसको बहुत अच्छे से बारीकी से बताने लगो लाइन पढ़ के, हाँ भाई टेक्निक फॉर द मेजरिंग ऑफ द, एक समरी लेके निकलना है, समझे, इस पर आपको महारथी हासिल नहीं करना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, महारथी यहाँ मान लो आप UPSC मेंस लिखना है तो क्या इसका क्या मतलब है आपका, एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए, बस खत्म, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन टेक योर डिसीजंस व्हाट शुड बी यू डू एंड व्हाट शुड डन। देखिए यहाँ इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होता है EMG जो होता है ये क्या होता है मेडिसिनल टेक्निक एक तरह का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वगैरह देखते हैं स्केलेटल मसल्स का, तो मसल से जुड़ा हुआ हो गया ये, समझे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और इसमें क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है रिकॉर्ड करता है जिसको क्या करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम। यहाँ देखिए ऑडियोग्राम जो होता है ऑडियबल थ्रेशोल्ड होता है, और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटेंसिटी को जो जिसको मेजर करते हैं डेसिबल में, एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी को जिसको मेजर करते हैं हर्ट्ज में। और नॉर्मल हियरिंग के लिए ऑडियोग्रामी वही है हियरिंग का है। और मैमोग्राफी जो होता है इसमें एग्जामिन करते हैं ह्यूमन के ब्रेस्ट को लो एनर्जी एक्सरे यूजिंग लो एनर्जी एक्सरे के थ्रू, और इसमें क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का डिटेक्शन जो होता है मैमोग्राफी के थ्रू ही करते हैं। और इंडोस्कोप ये सब क्या है जी, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, समझे, इंडोस्कोप जो होता है इसमें क्या होता है इंडोस्कोप में इल्यूमिनेटेड ऑप्टिकल होता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं तो ये एक तरह से एक टाइप ऑफ बोरस्कोप है जिसको लुक करते हैं डीप इनटू द बॉडी में देखने के लिए, इसी को इंडोस्कोपी बोलते हैं, समझे, वो एक तरह का कैमरा वगैरह इसमें लगा रहता है, जब मान लीजिए कि अंदर डाला जाता है वो और उसके थ्रू वो लिया जाता है, मान लो पिक्चर देखना आपको रेक्टम वगैरह का क्या आ गया है किसी तरह का डिसऑर्डर आ गया है तो उसके थ्रू वो क्या करता है
डॉक्टर चेक करता है। अब देखिए यहाँ कार्डियोग्राफी वगैरह जो है वो हार्ट से जुड़ा हुआ है, मूवमेंट ऑफ द हार्ट हो गया, और क्रिस्कोग्राफ जो होता है ये ग्रोथ इन प्लांट है। ये डायरेक्ट पूछ देगा समझ में नहीं आएगा क्या है, समझिए बस टर्मिनोलॉजी याद रखना है। तो ये प्लांट से जुड़ा हुआ आपका क्रिस्कोग्राफ जो ग्रोथ इन प्लांट में देखने को मिलता है, जो कि जगदीश चंद्र बोस जो था ये पहली बार मतलब इन्वेंटेड किया था इन द अर्ली सेंचुरी 20th century में। और टेट्रा एक और व्यू होना चाहिए कि 20th century में ये चीज़ मिला। तो एक क्या होता है ना कि बल्क में जब आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा ना तो आप कहीं पर कोई बात कर रहे होंगे ना तो एक आइडिया आप अपना वहाँ पर अच्छा रख पाइएगा, समझें। टेट्राप्लेगिया जो होता है ये क्या होता है, ये इसी को हम लोग क्वाड्री प्लेगिया भी बोलते हैं, जो कि पैरालिसिस वगैरह से मतलब जुड़ा हुआ है। टीजी पैरालिसिस कॉज बाय इलनेस और इंजरी, इलनेस की वजह से या इंजरी की वजह से जो पैरालिसिस वगैरह हो गया तो उसी को बोलते हैं। और पारा प्लेगिया जो होता है एक सिमिलर होता है बट डज नॉट अफेक्ट द आर्म, ये आर्म को नहीं डिफेक्ट करता, मतलब जो आपका आर्म्स है उसको अफेक्ट नहीं करता है। और लॉस जो होता है यूजली सेंसरी एंड मोटर वगैरह में देखने को मिलता है, बोथ सेंसेशन एंड कंट्रोल दोनों में आपका लॉस्ट हो जाएगा। और टेट्रा जो टेट्रा पेरिस होता है ये क्या करता है, ये एक तरह का मसल्स का वीकनेस कर देगा, अफेक्टिंग कर देता है आपके चारों लिम्स को, समझे। और इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी जो होता है इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड ट्यूमर, इलेक्ट्रॉन क्या करता है डायरेक्टेड करता है टू ए ट्यूमर को, समझे, ट्यूमर साइट को। तो इसके थ्रू ये देखते हैं डीजी काइंड ऑफ एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टेड टू ए ट्यूमर साइट, वहाँ पे भेजते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं इसको ट्रीट कर रहे होते हैं ट्यूमर को, समझे। तो इससे जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम थ्योरी, आपका ट्यूमर से हो गया उसको सही करना के लिए कार्डियोलॉजिस्ट या फिर डिटेक्ट करने का, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यहाँ देखिए और रेडियोथेरेपी है ना तो सही करने के लिए बात हो रहा है, समझे। अब यहाँ देखिए डिटेक्ट करके सही करेगा कहाँ पे है वहाँ पे भेजता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये ट्रीटिंग करता है डिजीज किस चीज़ का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, पीछे भी देखा ना हार्ट वगैरह जो कि हो गया कार्डियोवास्कुलर से जुड़ा हुआ ना। और एंगियो और भी देख सकते हैं आप, एंगियोप्लास्टी हो गया या इंसर्टिंग करते हैं एक पेसमेकर वगैरह को, इस तरह से मतलब हार्ट से जुड़ा हुआ कार्डियोलॉजिस्ट। यहाँ पे देखिए योगा डे वगैरह 21 जून को मनाते हैं, कैंसर डे वगैरह 4 फरवरी को, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं, डायबिटीज डे जो है 14 नवंबर को, एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं, थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाते हैं, पोलियो डे जो होता है 24 अक्टूबर को, और एथलेटिक्स डे जो होता है 12 अक्टूबर को, और मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। जनरली ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, जो फेमस है वो मैं अपने हिसाब से जो मेरे को लगा वो लिख दिया हूँ, बाकी देखिए ये वाला जैसे कि इन्वायरमेंट डे हो गया, ओजोन डे हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एड्स हो गया, और आपका थैलेसीमिया डे, बाकी जो करंट में चल रहा होता है कुछ कुछ नया डे निकल रहा होता है ना वो सब ज़्यादा पूछता है, अगर पूछना रहेगा आपका छोटा छोटा एग्जाम में जो पूछता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ये किडनी का डिजीज, तो बहुत सी चीज़ आपको ये भी मालूम होना चाहिए किसको छोड़ना है किसको, समझ रहे हैं, समझ गए होंगे। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो किडनी से जुड़ा हुआ डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है मेंटेनिंग नॉर्मल फ्लूइड वगैरह को मेंटेन करना रहता है, और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है। यूरोलॉजिस्ट जो है डिजीज जो कि यूरिनरी ट्रैक से जुड़ा हुआ है। ओकोलॉजिस्ट जो है वो पीपल का जो आई होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए वो होते हैं, एक पर्सन ओकोलॉजिस्ट एक पर्सन है, समझ रहे हैं, तो उनका एक पेशा हो गया तो वही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्ट्रासाउंड जो टेक्निक है वो क्या करता है, सोनोग्राफी वगैरह या अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह बोल सकते हैं इसको, अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं आज सुनने अल्ट्रासोनोग्राफी भी। तो अल्ट्रासाउंड टेक्निक वगैरह तो है जो एक मेडिकल अल्ट्रासाउंड है जिसमें डायग्नोज हो रहा होता है सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, तो इसमें क्या करते हैं इमेजिंग लेते हैं, इमेजिंग टेक्निक है ये, इमेजिंग लेके उसके बाद डिटेक्ट करता है कि क्या नहीं है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। तो इमेज ऑफ द इंटरनल बॉडी लेता है जैसे कि टेंडन वगैरह का, मसल्स वगैरह का, जॉइंट का, ठीक है, ब्लड वेसल्स वगैरह का, इंटरनल के ऑर्गन को उस तरह से लेके, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली अब फर्दर प्रोसेस होता है। फीडल अल्ट्रासाउंड जो होता है इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का टेस्ट होता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के थ्रू किया जाता है, इमेज ऑफ द फीटस को लेके इन द मदर बॉम में क्या है, नहीं है, कैसे है, ठीक है कि नहीं। लिनस कार्ल पॉलिंग जो होता है वो क्या होता है, कैंसर्स जो होता है एंड विटामिन सी वगैरह जो है उससे आपका जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हैज गिवन इज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कैंसर के फील्ड में या विटामिन सी के फील्ड में, इनका कंट्रीब्यूशन है, अपना कंट्रीब्यूट किए हैं। अब किस तरह से किए हैं जानना जरूरी है क्या, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इतना ही वाज अवार्ड नोबेल प्राइज, बस इतना लिखा भी नहीं है। हनी बी वगैरह जो क्या है कि ये देखिए एसोसिलिया फ्लाइंग इंसेक्ट है एक तरह का, हनी बी क्या है तो ये याद रख सकते हैं, यू सोशल फ्लाइंग इंसेक्ट है विद इन द जेनस एपिस जेनस के मतलब जीनस के अंदर आता है, और ये जो होता है कंस्ट्रक्शंस ऑफ पेरिनियल, ठीक है, दे आर नोन एज कंस्ट्रक्शंस ऑफ पेरिनियल और कॉलोनियल नेस्ट फ्रॉम वैक्स, वैक्स से क्या करता है कॉलोनियल नेस्ट बनाता है, तो ये हनी बी नेस्ट बनाता है और एपिस के जेनस में आता है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल वगैरह पूछा जाता है हनी बी के लोग का, तो थोड़ा अच्छा से याद रखना आपको, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ट्रेंड टू स्निफ आउट
लैंड माइंस ठीक है। तो हनी भी जो था ट्रेन टू स्निफ आउट लैंड माइंस, समझे। और हनी भी जो था क्लोनी बनाता है, हैज वन क्यून होता है उसके अंदर, समझे। उससे क्लोनी जो होता है उसमें एक क्यून होता है, और सब कुछ मेल्स होते हैं जिसको ड्रोन्स बोलते हैं, मेल्स वाला को सब मेल्स होते हैं जिसको ड्रोन्स बोलते हैं, एंड मिनी वर्कर्स और बहुत से काम करने वाला होता है। और हनी जो होता है और वैक्स जो होता है वो क्या करते हैं, बी के हैप्स में आपको देखने को मिलेगा, बी ऑब्टेन हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी के हैप्स निकालिएगा ना, तो हनी भी रहता है और वैक्स भी रहता है। और स्पीड ऑफ जो हनी बी देखा गया है वो कितना है, 17-21 किलोमीटर पर आवर रहता है, समझे। कितना रहता है याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी याद पूछ देगा बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, ये 17-21 किलोमीटर पर आवर रहता है हनी बी का स्पीड, समझे। और हनी बी अपने हाइव जो होता है उसके पास एक स्पेशल ऑर्डर होता है, तो पहचानता है अपने इस ऑर्डर से, पहचान के अपने हाइव में आते हैं, ठीक है। और हेल्प करता है जो कि अदर मेंबर को इन आइडेंटिफिकेशन में, समझे। यही स्पेशल ऑर्डर होता है किसके, पूछ देगा किस तरह से हनी बी अपने अपने मतलब हाइव्स तक पहुंच पाता है, तो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, समझे। कार्ल वॉन फ्रिस, ठीक है। अभी इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन आता है, शायद आगे दिया होगा, आएगा आगे बताएंगे, इनकमिंग में और आउटगोइंग में स्पीड थोड़ा कम होता है। देखिए कार्ल वॉन फ्रिस जो होता है, बी कम्युनिकेट, ठीक है, बी कम्युनिकेट करता है लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेज को, तो इसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ल वॉन फ्रिस जो था वही खोजा था कि जो बी होता है ना वो कम्युनिकेट करता है लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेज को। डिस्कवर्ड किया था कि डैट बी कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेज टू ईच अदर थ्रू द कम्प्लेक्स सर्कल एंड द वाइगल डांस, तो एक वाइगल डांस के थ्रू ये चीज़ों को कम्युनिकेट करता है, लोकेशन को फाइट करता है फूड सोर्सेज वगैरह को, समझे। तो वाइगल डांस कौन करता है, वाइगल डांस कहाँ देखने को मिलता है, तो बी वाला को देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और रोंड डांस क्या होता है, देखिए जो फॉर्गिंग हनी बी जो होता है और कम्युनिकेशन बिहेवियर, समझे। देखिए रोंड डांस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन बिहेवियर ऑफ किसका, फॉर्गिंग हनी बी का, इन विच क्या करता है, सी मूव टू द कॉम इन द क्लोज सर्कल्स, सी मूव्स ऑन द कॉम इन द क्लोज सर्कल्स में अल्टरनेटिंग राइट एंड देन लेफ्ट। पहले राइट जाता फिर लेफ्ट, फिर इस तरह से राइट से मतलब सर्कल बनाएगा, फिर लेफ्ट से सर्कल, इस तरह से कुछ करता है, ठीक है। मूव ऑन द कॉम इन द क्लोज सर्कल अल्टरनेटिंग राइट एंड द लेफ्ट, और क्या करता है ये फूड सोर्स को क्लोज होता है। राउंड डांस कब देखने को मिलता है, जब वो फूड सोर्स के क्लोज जाता है, समझे। वाइगल डांस और राउंड डांस दोनों समझ में आ रहा है। वाइगल डांस क्या करता है, फूड के लोकेशन को खोजने के लिए वाइगल डांस करते हुए निकलता है। बी कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ फूड सोर्स टू ईच अदर थ्रू द कम्प्लेक्स, समझे। लेकिन यहाँ जब क्लोज पहुँच जाता है ना वो तो वहाँ पे वो आपको राउंड डांस देखने को मिलेगा वाइगल, ये इसका बी का। और वाइगल डांस क्या होता है, देखिए यहाँ पे बी जो होता है टू थिंग्स होता है, वॉट फ्लावर का जो पैच का जो लोकेशन है और डिस्टेंस जो होता है ना और डायरेक्शन जो होता है अभी फ्रॉम द हाइप्स, तब वहाँ पे आपको वाइगल डांस मिलेगा। जब डिस्टेंस जो होगा जब हाइप से दूर होता है, समझे, दो तरह से। देखिए फ्लावर का पैच का लोकेशन द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द हाइप्स, अगर छत्ता से दूर है और जो भी उसका लोकेशन है उससे भी दूर है, तो इस देखिए यहाँ पे फ्लावर का पैच लोकेशन बोल रहा, मतलब कहने का मतलब क्या, बी जो है फ्लावर पे जाके वहाँ से लेता है ना जी रस, तो वही बोल रहा कि ये फूड सोर्स हो गया, तो वही है। जब इससे दूर रहेगा या फिर अपने छत्ता से दूर, तो दोनों में वाइगल डांस देखने को मिलता है, और जब ये अपना फूड सोर्स के नज़दीक होता है तो राउंड डांस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे देखिए दी डांसिंग बी वाइगल जो होता है बैक एंड फोर्थ होता है, समझे। यहाँ पे क्या होता है, बैक एंड फोर्थ होता है, यहाँ पे बैक एंड फोर्थ नहीं था, यहाँ पे क्या क्लोज द सर्कल होता है, यहाँ पे बैक एंड फोर्थ करता है। दी डांसिंग जो होता है बी वाइगल का बैक एंड फोर्थ एज सी मूव्ड फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, और द सर्कल जो होता है अराउंड द रिपीट द डांस, और इट इंडिकेट दैट द फूड सोर्स जो होता है इज फार फ्रॉम द हाइप्स। वाइगल डांस कब करेगा, जब फूड सोर्स दूर होगा, समझे, बस इतना सिंपल रखना है। और राउंड डांस कब करेगा, जब फूड सोर्स के नज़दीक होगा, बस ज़्यादा कम्प्लेक्स मत कीजिए। सिल्का जेल पैकेट जो होता है उसमें क्या होता है, ऑब्जर्विंग मॉइस्चर के लिए होता है, एक्चुअली ड्राई बना के रखने के लिए। बहुत सारे देखते होंगे आइटम जब निकालते होंगे तो उसमें देखते होंगे एक पैकेट की तरह रहता है, वो पैकेट में कुछ नहीं है, सिल्का जेल भरा हुआ रहता है, समझे। वो क्या काम करता है कि मॉइस्चर्स वगैरह जो है एनी हाउ किसी तरह से अगर आ गया इनसाइड, जैसे आप घड़ी है, घड़ी के अंदर पूरा अच्छे से पैक है लेकिन गर्दा चला जाता है ना जी, तो किसी तरह से अगर गया तो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, तो एक लार्ज एक्सटेंट तक ये चीज़ को क्या किया जाता है, प्रोसेस मतलब प्रोसीड किया जाता है टू टेक अकॉर्डिंग टू एक्शंस ऑफ आवर नीड्स। तो ये चीज़ था। अब यहाँ देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन जो होता है, जैसे सीरियल प्रोडक्शंस के लिए था ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, येलो वाला वाइल्ड सीड के लिए था, ब्लू वाला जो था फिशरी के लिए, एक्वा कल्चर के लिए भी था, फिश के लिए जो जनरली याद रहता है एक्वा कल्चर के लिए याद रखिए, एक्वा कल्चर के लिए अकॉर्डिंगली आपको याद रहेगा फिश क्या होगा, एक्वा कल्चर, समझ में आ रहा है। तो सब रिलेटिवली है, कभी कभी क्या होता है ना ब्रेन चोक होता है, तो ऑब्वियसली बात इतना पे नहीं होगा लेकिन हो जाता है, तो बी अवेयर ऑफ डॉट। तो पिंक जो है मीट वगैरह जो है और जो पोल्ट्री वगैरह हो गया, ओनियन वगैरह प्रॉन, ठीक है, इस सब में भी देखने को मिलेगा आपको पिंक का ही है। और ब्लैक रिवोल्यूशन जो होता है जैसे पेट्रोलियम का हो जाएगा, सिल्वर रिवोल्यूशन जैसे एक का हो जाएगा, रेड वाला जो है मीट और टोमेटो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइंड कीजिएगा, पिंक का मीट है यहाँ भी और रेड का मीट यहाँ भी है, ठीक है। टोमेटो तो रेड होगा ही, तो रेड का मीट ही होता है, पिंक का यहाँ मीट भी है, ठीक है। और पॉलेट
तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अब पता नहीं सब स्टैंडर्ड बुक में यही है ना, NCERT वगैरह ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको देखिए राइस वगैरह, तो राइस जो है आपको आप क्या जानते हैं कि राइस खरीफ में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राइस खरीफ ही में होता है, रबी में भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है नॉर्थन है कि साउथर्न स्टेट है, समझे। तो इस तरह का चीज़ होता है, जब ये आप NCERT वगैरह पढ़िएगा तो मोर क्लियर होगा, समझे। वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, समझे, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वही होता है सोर्स। फिर भी ये आपको ये थोड़ा आप देखिएगा बताइएगा, लेकिन मेरे को तक जहाँ तक याद था कि रेड मीट का होता है और पिंक का तो मेरे को नया देखने को मिला। यहाँ देखिए उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन जो होता है फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ, ब्राउन जो होता है आपका लेदर्स हो जाएगा, और गोल्डन रेवोल्यूशन जो होगा हॉर्टिकल्चर हनी फ्रूट इस सबसे हो गया, ठीक है। और गोल्डन फाइबर अगर बोलेगा, माइंड कीजिएगा एग्जाम के समय, गोल्डन फाइबर तब जुड़ जाएगा, गोल्डन तब हॉर्टिकल्चर हनी फ्रूट। यहाँ सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर एक सिल्वर है, ठीक है, यहाँ सिल्वर एक के लिए सिल्वर फाइबर बोला, जहाँ कॉटन, समझ में आया। शांति स्वरूप जो भटनागर जो अवार्ड था वो किस चीज़ में दिया जाता है, तो एक प्रेस्टीजियस साइंस अवार्ड है, साइंस में दिया जाता है, कौन से जो कि कौन देता है, CSIR थ्रू दिया जाता है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, और ठीक है अप्लाइड इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये सब में दिया जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेडिसिन इस सब में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह, समझ में आ गया। 1958 वगैरह देख सकते हैं। आई हुमैन का जो है हुमैन आई, जैसे ऑप्थल्मोलॉजी वगैरह, ट्रीटमेंट ऑफ द आई डिसऑर्डर हुमैन वगैरह देख सकते हैं आप। आई डोनेशन जो होता है, आई डोनेशन में क्या करते हैं, कॉर्निया को डोनेट करते हैं, समझे, पार्ट विच इज ट्रांसप्लांटेड किया जाता है। तो यही होता है कि आई डोनेशन में द कॉर्निया होता है, वही होता है जो पार्ट विच इज ट्रांसप्लांटेड किया जाता है, समझे। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होता है, आई डोनेशन में कॉर्निया दिया जाता है, समझ में आया। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे साउथ अफ्रीका के थे, कार्डिक सर्जन थे, और ये हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका के थे 1967, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछता है। न्यूचुरल पेसमेकर जो होता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज है फ्रॉम, देख सकते हैं आप, हार्ट मसल्स कॉज टू बीट, समझे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द हार्ट मसल्स जो कि कॉज टू बीट, समझे, ये नेचुरल पेस पे करता है आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेनेट्रियल नोड पे देखने को मिलता है, एस नोड बोलते हैं इसको, सेनो एट्रोरियल नोड। अब यहाँ पे देखिए एस ए नोड बोलते हैं, एस ए नोड, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखता है कि राइट, जो कि राइट एट्रियम में पाया जाता है, ठीक है, राइट एंट्रियम राइट वेंट्रिकल, समझे, इस तरह से रहेगा, राइट एंट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस ए नोड जो होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा एस ए नोड इज ए नेचुरल पेसमेकर, एस ए नोड बोलिए या नेचुरल पेसमेकर, दोनों से में। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होता है मेडिकल डिवाइस, एक तरह से आर्टिफिशियल पेसमेकर जो कि रेगुलेट करता है बीटिंग ऑफ द हार्ट वगैरह को, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के काम करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा, दी मोस्ट कॉमन रीजन्स टू नीड ए पेसमेकर आर, क्या है, द मोस्ट कॉमन रीजन क्यों करते हैं टू नीड टू पेसमेकर आर, तो ये है ब्रैडीकार्डिया एंड द हार्ट ब्लॉक वगैरह हो गया, तो चेंज करने के लिए, या फिर उसको क्या करने के लिए, चेंज नहीं एक्चुअली, वो क्या बोलते हैं उसको, रिजुबिनेट बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं रीस्टार्ट, समझे, तो हार्ट बीट के लिए, डेट इज द स्लोअर देन द नॉर्मल। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये क्या है, एक हार्ट होता है डेट इज द स्लोअर देन नॉर्मल, ब्रैडीकार्डिया जो होता है एक ऐसा होता है कि जहाँ पे हार्ट बीट जितना पेस से चलना चाहिए ना 120/80, तो उससे स्लो हो जाता है। हार्ट ब्लॉक जो होता है ये डिसऑर्डर डेट आकर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज स्लोड और डिसरप्टेड, हार्ट ब्लॉक भी अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। तो वही केस है, पेसमेकर जो होता है क्या करता है, यहाँ पे स्लो बोल रहा है, ठीक है, हार्ट ब्लॉक में स्लो ही होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्लो और डिसरप्टेड हो जाता है। पेसमेकर जो होता है कैन हेल्प टू रेगुलेट करने के लिए हार्ट बीट, समझे, तो ये इसीलिए। उसके बाद देखिए डिहाइड्रेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ द वाटर या लिक्विड हो जाता है आपकी एक्सेसिव क्वांटिटी में, तो उसी को बोलते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर का लॉस या लिक्विड का। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जैसे मेनली को क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये लॉस्ट हो जाता है, समझे, इसमें ज़्यादा पसीना निकलेगा तो सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है ना जी, और भी बहुत सारे आयंस वगैरह निकलता है, सोडियम आयंस वगैरह, पोटेशियम आयंस वगैरह। किंग कोबरा जो है ये क्या है, तो ठीक है, वेनोमस स्नेक है जो कि आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया तरफ देखने को मिलता है, वल्नरेबल लिस्ट में है, यूएसएन रिलेटेड लिस्ट में अगर देखिएगा तो वल्नरेबल में है, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वेनोमस स्नेक है कौन, यही किंग कोबरा जी। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि 4 मीटर लंबा के हाइट के बराबर होता है, और फीमेल किंग कोबरा जो होता है वो अंडा देती है, और नेस्ट नेस्ट भी ये जो है नेस्ट बनाती है, नेस्ट ओविपोरस है, ओविपोरस नेस्ट है इसका देखने को मिलेगा, और पेरेंटल केयर बहुत रहता है इसका, समझे, अपना बच्चा को देखती है ये वो दिस डैट, और गार्ड करती है, समझे, यही बोल रहा है, गार्ड करती है टिल जब तक वो बच्चा बाहर नहीं आ जाता ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इम्यूनोलॉजी वगैरह जो है, इम्यूनोलॉजी का सब इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कि कहाँ लोकेशन है, इधर है, तो इम्यूनोलॉजी वगैरह न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, DNA फिंगर प्रिंटिंग वगैरह हैदराबाद में है गया, और प्लांट जीनोमी रिसर्च जो है न्यू दिल्ली में है, ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो आपका मनसेर गुरुग्राम
मानेसर और गुरु मानेसर जो कि गुरुग्राम है हरियाणा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हमको हिसाब से रहना है, याद रखना आपको, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी रखना है याद। उसके बाद आप देख लीजिए बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि इम्फाल मणिपुर में है, और फॉरेस्ट जेनेटिक ट्री ब्रीडिंग जो है कि कोयम्बटूर और तमिलनाडु में है इस हिसाब से। उसके बाद बोटेनिकल रिसर्च कहाँ है, तो लखनऊ में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूछ देगा नहीं समझ में आएगा, याद रखना आपको लखनऊ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च जो है लखनऊ में चल जाएगा, और उसके बाद नेशनल शुगर नेशनल लेवल पे बोलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, और यहाँ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में जाएगा, समझ में आ रहा है, बारीकी देखिए। और इंडियन जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कि आपका कहाँ है, तो ये आपका इजाद नगर बरेली यूपी में होगा, और ड्रग रिसर्च वाला लखनऊ में जाएगा, राइस रिसर्च वाला कटक में जाएगा, और पोटैटो रिसर्च वाला शिमला में जाएगा। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको ये लाया जाएगा जो कि आपका लगभग कितना है, जस्ट 20 मिनट सही है। और नेक्स्ट वीडियो आपको ये लाया जाएगा, इसमें आपको 187-188 है सवाल, जस्ट 20 मिनट कितना सवाल है, 184 है, ठीक है। आफ्टर देन ये पूरा का पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।